केजरीवाल सरकार के चुनावी वादों के पुलंदे तो लंबे थे, लेकिन धरातल पर उन वादों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे को भुनाकर दिल्ली में चुनाव जीतने वाले केजरीवाल सरकार की एक आरटीआई सूचना ने पोल खोल कर रख दी है। केजरीवाल सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। चुनाव से पहले केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सभी डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे और इन बसों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी, लेकिन आरटीआई से हुए खुलासे में पता चला है कि केजरीवाल सरकार ने अब तक एक भी सीसीटीवी कैमरा किसी भी बस में नहीं लगवाए हैं। डीटीसी की सिर्फ 200 बसों में ही कैमरे लगे हैं, जो निर्भया कांड के समय लगवाए गए थे। आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश गुप्ता ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट से कुछ सूचनाएं मांगी थी। आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में डीटीसी की 4,226 बसें हैं, जिसमें 2,506 नॉन एसी, 1,275 एसी और 445 पुरानी बसें हैं। इन बसों में सुरक्षा के लिए पिछले 40 महीने में होमगार्ड की तैनाती की गई, जिसके लिए 19,53,05,899 रुपए खर्च किए गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डीटीसी को भी नहीं मालूम कि आखिर इन होमगार्ड्स का काम क्या है और सुरक्षा के लिए इनके पास संसाधन क्या है। दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि आप सत्ता में आने का हमें एक मौका दीजिए, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी, इसी को ध्यान में रखते हुए एक आरटीआई लगाई गई। बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसमें साफ तौर पर खुद आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसने ये खुलासा किया है और ये कहा है कि किसी भी बस के अंदर यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है वो नहीं लगाया गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली का जो परिवहन विभाग है, जो डीटीसी डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट के एक आईटी सेक्शन ने जो कैमरे लगाने का काम करता है उसने ये भी माना है कि पिछले 1.25 साल के दौरान राजधानी दिल्ली के किसी भी बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया है। बसों में रियलिटी चेक किया गया तो कुछ बसों को छोड़कर किसी भी बस में सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले। सिर्फ 200 बसों में ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, वो भी पिछली सरकार के कार्यकाल में। केजरीवाल सरकार के अब तक के कार्यकाल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा एक भी डीटीसी की बस में नहीं लगाए गए हैं। डीटीसी की बसों में सफर करने वाली महिलाओं के मुताबिक डीटीसी बसों में सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। आपको क्या लगता है सरकारें महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ समझ में आता है? हकीकत में तो नहीं दिखाई देता। कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात है इसमें? नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं है। सिक्योरिटी भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में इस बात का ढिंढोरा पीटा था कि उनकी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी और डीटीसी बसों के रियलिटी चेक के बाद केजरीवाल सरकार के वादों की कलाई खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।